भाजपा संगठन पर्व सदस्यता अभियान की शुरुआत जोरों पर चल रही है। इसी के तहत मंगलवार को नवीन सादरा जिला द्वारा शिव मंदिर धर्मशाला वेस्ट ज्योति नगर में भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें संगठन मंत्री सिद्धार्थन के साथ जिला अध्यक्ष कैलाश जैन एवं जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं नेतागण के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अभियान को महापर्व के रूप में मनाया गया, जिसके तहत सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। कार्यक्रम में भाजपा के विधायक और पार्षद भी मौजूद रहे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नए नए चेहरों ने भाजपा की सदस्यता लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने का काम किया है। इस पर जिला अध्यक्ष एवं विधायक का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। तो एक डाटा हो जाए जो मैसेज भेजना तो पूरा प्रदेश से एक साथ पूरे सब मैसेज चला जाए। इस कार्यक्रम में आगे इस सदस्यता अभियान को विश्वव्यापी अभियान के रूप में चलाने की योजना तैयार की। सिद्धार्थन एवं हर्ष मल्होत्रा ने सभा को संबोधित करते कहा कि यह अभियान हर हर मोदी घर घर मोदी की तर्ज पर हर घर तक पहुंचना चाहिए। इस अभियान में महिला मोर्चा से सैकड़ों महिला शामिल रही। ये बहुत अच्छी मुहिम चलेगी, पूरे राष्ट्र में चल रही है और इस जिले में भी शुरू हो गई है। मैं समझता हूँ कोई घर हम लोग नहीं छोड़ेंगे, चाहे किसी धर्म का हो चाहे किसी जाति का हो। यही हमारे ऊपर से आदेश हुआ है कि हमारे लिए देश में रहता है वो सब हमारा अपना है। 100% रूप से भारतीय जनता पार्टी इस कार्य को कराएगी। आज की खास बात ये है, हमारे महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत अच्छी महिलाएं जुड़ के हम सब इकट्ठा होके ये बहुत अच्छे से काम करेंगे और करके दिखाएंगे। नहीं मैंने ये हमारे जो पीएम साहब ने जी एक अच्छी सी एक दिया फोन नंबर दिया है, उसके ज़रिए हम हर एक महिला घर घर जाके पूरी अपनी एक यूनिटी बनाएंगे। सारे सदस्य हमारे साथ जाके चार पांच हम इकट्ठे होके हम घर घर जाएंगे, जो भी हमारे बूथों पे काम हमें दिया गया है उन बूथों पे जा जाके हम घर पे और उनको सदस्य बनाएंगे बीजेपी का, अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो। जिला अध्यक्ष की माने तो इस अभियान को सफल बनाने में नवीन सादरा जिला पूरी ताकत के साथ हर घर तक पहुंचकर भाजपा परिवार में जोड़ेगा। सदस्य किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का, भाजपा सबका साथ सबका विकास की नीति पर सभी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ेगा और विधानसभा में फतेह हासिल करेगा। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।